हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हसल शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी, जो कि है हरे चने दा निमोना, जो कि हम हरे चने से बनाएंगे। तो ये होते हैं हरे चने और हम इन्हीं से निमोना बनाएंगे। तो मैंने पहले ही आलू काट के रखे हैं और मैंने दो टमाटर लिए हैं और अब इसमें जो हरे चने हैं उसका हमने पेस्ट बना लिया है और ये गरम मसाले का पेस्ट है। इसमें प्याज, लहसुन और अदरक है, थोड़े से गरम मसाले हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, इसको हमको हल्का सा सॉटे कर लेना है। आलू जो है वो सॉटे हो चुके हैं। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे जीरा, साथ में हमने तेज पत्ता डाला है, मैंने 2-3 तेज पत्ता डाले हैं। फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची, 1 से 2 लाल मिर्ची काफ़ी हैं, आप वो डालिए। साथ में कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। हमने जो गरम मसाले का पेस्ट बना के तैयार करके रखा था, प्याज लहसुन अदरक का, वो हम इसमें डाल देंगे, जिससे जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा और इसको अब हम चला लेंगे। इसको हमें अच्छे से चला लेना है जिससे जो मसाला है वो भुन जाए अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे मसाला जो है वो भुन चुका है और तेल आना शुरू हो गया है। बस इसी टाइम में हमको ऐड करना है हल्दी पाउडर, मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच डाला है लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच। थोड़ा सा और डाला है, मैंने ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे जिससे मसाला है वो जलेगा नहीं और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसका एरोमा इतना अच्छा आ रहा है, बिलीव मी गाइस, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, मैंने 2 देसी टमाटर डाले हैं जिससे जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगेगा और इसका फ्लेवर भी एनहांस होगा। टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे मसाले में ये बिल्कुल घुल जाए। टमाटर देखिए अब गलने लगा है, ऑलमोस्ट गल ही चुका है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख के पकाएंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है टमाटर। अब हम ऐड करेंगे जो हमने हरी मटर को पीसा था, उसका पेस्ट बनाया था, वो इस मसाले में ऐड कर देंगे। हरी मटर बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, काफ़ी प्रोटीन होता है उसमें, तो आप ज़रूर खाइए। इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं सैलेड में और आप इसकी सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। अच्छे से इसको चला लेना है जिससे जो मसाला है वो मटर में अच्छे से घुल जाए। पाँच से सात मिनट तक भूनने के बाद ये अच्छे से भून जाए तो आप थोड़ा सा किचन किंग मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप तो आप ज़रूर यूज़ करिए। तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे जिससे जो मसाला है वो
अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाला जो है वो बिल्कुल पक चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम हमें डालना है जो हमने हरे चने और आलू को फ्राई करके रखा था, तो वो डाल देंगे। हरे चने हमने कच्चे ही थोड़े से डाले हैं और आलू हमने सॉटे किया है, और इसको अच्छे से चला लेना है। मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है और उसने जो पैन है वो भी छोड़ दिया है, वो बिल्कुल भी अब चिपक भी नहीं रहा है। तो इस टाइम में हमें ऐड करना है पानी, तो हमने वाटर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको चला लेना है और इसको पकने देना है जिससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ढक के पकाएंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए और हरी धनिया से गार्निश करेंगे, और 5 से 7 मिनट बाद ये बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।